गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों, चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कर लिए हैं। बुक में कुछ अभ्यास दिए हुए हैं, हम उन्हें भी पूरा कर लेते हैं। जैसे नीचे लिखी सूक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मैंने हर एक सूक्तियों के अर्थ को समझा दिया है, लेकिन यहाँ प्रश्न में यहाँ पूछा गया है, आशय स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। पहला नंबर है, एक व्यर्थ जीवन ही शीघ्र मृत्यु है। कहने का मतलब, मनुष्य को अगर जीवन मिलता है तो जीवन में हमेशा ऐसे काम करने चाहिए ताकि उसका नाम हमेशा अमर रहे। अगर आपको जीवन मिलने के बावजूद आप उसे व्यर्थ गंवा रहे हैं या आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, आप सिर्फ जीवन जिए जा रहे हैं लेकिन आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, तो ऐसा जीवन जीना मृत्यु के समान है। दूसरे नंबर पर है, अपने जीवन का ध्येय बनाओ और फिर अपनी सारी शारीरिक और मानसिक शक्ति उसमें लगा दो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर एक मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए और मनुष्य को अपने लक्ष्य और मंजिल को पाने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। और इस प्रयत्न को करने के लिए चाहे उसे अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को उसके पीछे क्यों ना झोंक देना पड़े, यानी अपनी शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति दोनों को उस मंजिल को पाने के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमें जीवन की मंजिल, असली मंजिल मिल पाएगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने मंजिल को पाने के लिए हमें अपने शारीरिक और मानसिक शक्ति को पूरी तरह से लगा देना चाहिए। तीसरे नंबर पर है, नकल ऊपरी बातों की हो सकती है, हृदय की नहीं, पर हृदय पहचानने के लिए हृदय चाहिए। चेहरे पर दो आँखों से काम नहीं चल सकता। यहाँ कहा जा रहा है कि हम लोग, हर मनुष्य की दो आँखें होती हैं और हम अपनी आँखों से किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसकी नकल भी कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ आँखों से देख लेना ही काफ़ी नहीं होता है किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए। उसके लिए हमारे पास एक हृदय भी होना चाहिए, क्योंकि हृदय को पहचानने के लिए एक ऐसे हृदय की ज़रूरत होती है जो कि जिसमें कि भावुकता हो, जो बड़े दिल वाला हो। वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अंदर के भावों को समझ सकता है। केवल व्यक्ति के चेहरे को देखकर ही हम उसकी पहचान नहीं कर सकते। आगे है, वह सूक्ति लिखिए जिसमें विनम्रता का महत्व बताया गया है। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ नंबर 3, सूक्ति नंबर 3 होगा, जो कि कन्फ्यूशियस द्वारा लिखी गई है कि विनम्रता सब गुणों की आधारशिला है। आगे है, सबसे मित्रता का भाव रखने की बात कही गई है। इसमें सूक्ति नंबर 11 होगा, जो कि यजुर्वेद के द्वारा कही गई है, मैं सब प्राणियों को मित्रता की दृष्टि से देखूं। यह बात यजुर्वेद में लिखी हुई है। आगे है, बुद्धिमान बनने के उपाय बताए गए हैं, यह भी सूक्ति नंबर 15 होगा। थोड़ा पढ़ना, ज़्यादा सोचना, कम बोलना और ज़्यादा सुनना, यही बुद्धिमान बनने के उपाय हैं। तो इस तरह से यहाँ आपको
उन पंक्तियों को लिखना था जिनका ये अर्थ निकलता है। आगे है, यहाँ आपको शुद्ध उच्चारण करने हैं। उद्योगी, निष्फल, विनम्रता, दृष्टि, ध्येय, मानसिक, हृदय और अध्ययन। ये भाषाबोध था। भाषाबोध में आगे है, मोटे छपे शब्दों के विलोम शब्द रिक्त स्थानों से भरिए। यहाँ गुनी, गुनी का विलोम शब्द यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। गुनी का सब आदर करते हैं, अवगुण का नहीं, यहाँ विलोम शब्द लिखना है। परिश्रमी अवश्य सफल होता है, असफल नहीं होता, सफल का यहाँ विलोम लिखना था। कार्य में अनियमितता छोड़कर नियमितता अपनाएं। सत्संग से जीवन सुधरता है, असंगति से नष्ट हो जाता है। कुछ लोग साकार ईश्वर में विश्वास करते हैं और कुछ निराकार ईश्वर में। यहाँ है, नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं, इन संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाना है। उद्योग का होगा उद्योगी, शरीर का होगा विशेषण बनाना है शारीरिक, नकल का होगा नकली, प्रेम का होगा प्रेमी, गुण का गुणी, पूजा का पूजनीय, परिश्रम का परिश्रमी और निंदा का निंदनीय। यहाँ है, नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि इनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो यह आपको यहाँ पर वाक्य बनाने हैं, ध्येय, चिंतन, अनियमितता, याचना और विनम्रता का। तो ये आप खुद कोशिश कीजिएगा वाक्य बनाने के, छोटे और सरल वाक्य बनाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू क्लास।